लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कूली लोगों पे हाथ उठा नहीं सकते, समझे? कुत्ते हाथ लगा दे। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम सब लोगों के पिल्ले थुरा लूंगा। मैं रेलवे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं। तुमने हमारे आदमी को मारा है साहब, हम तुमको नहीं। रुक जाओ, वरना एक एक की लाश गिरा दूंगा। तुम क्या लाश गिराओगे? ऐसा क्या? चलो देखते हैं। जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूं, काम करता हूं कुली का, और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल। देखो, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब, मगर अफसोस ये उसे सिर्फ मार मिली। इसलिए भैया शराफत इसी में है कि आप लोग इससे माफी मांग लें। नेवर। नहीं? सोच लो, कुली जो बोझ उठाता है कहीं बोझ बनकर तुम्हारे सर पे बैठ गया ना तो सीधा जमीन में घुस जाओगे प्यारे। लगता है तुम भी मार खाकर ही जाओगे प्यारे। अरे जाएंगे कहां साहब, ये रेलवे प्लेटफॉर्म तुम्हारा घर है क्यों भाइयों? मेहमान तो ये इसलिए घर वाले खिलाएंगे और मेहमान आएंगे। हाँ क्यों भाई साहब, नमूना चखेंगे आप? चल अल्लाह रहेगा देख तमाशा। Thank you.
ओ साहब, आप दाढ़ी वाले को पकड़ो ना। बिल्कुल नहीं। क्यों साहब, हमने क्या किया है? सब गड़बड़ इसकी वजह से होगी, हमारी वजह से। हाँ एक मिनट, हमें छोड़ो यार। आप शायद नहीं जानते साहब कि गड़बड़ हमारे यहां होने से नहीं होती, गड़बड़ तो तब होगी जनाब जब हम यहां नहीं होंगे। देखना चाहते हैं आप? यहां आइए। गाड़ी क्यों रोक दी? आप तक फरियाद पहुंचाने के लिए मंत्री साहब। फरियाद? हाँ, चेयरमैन के बेटे ने हमारे बूढ़े कुली को इतना मारा, अस्पताल में पड़ा हुआ है। हमने आवाज उठाई तो पुलिस ने हमारे लीडर इकबाल को गिरफ्तार किया है। अब आप ही हमारा इंसाफ कीजिए साहब। जी साहब, बोर्ड की मीटिंग बुलाइए और साथ में इनके लीडर को भी। जी साहब, हम इस मामले की पूरी छानबीन करेंगे। अरे क्या छानबीन करेंगे आप, जब आपके बोर्ड का मेंबर ही हम रेलवे वालों पर हाथ उठाता है। कभी वक्त निकालकर हम गरीबों की दुनिया में भी झांक के देखिए साहब। दर्द की जमीन पर तकलीफों के साए में पानी के जगह आंसू पीकर कैसे जीते हैं हम गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। कुत्तों की मरहम पट्टी हो सकती है, लेकिन हमारे जख्मों को भरने के लिए ना कोई मरहम है, ना पट्टी है, ना अस्पताल है, ना प्रोविडेंट फंड है, ना रहने के लिए मकान है। अरे हम दुनिया का बोझ उठाते हैं साहब, लेकिन हमारी तकलीफों का बोझ उठाने वाला है कोई? आप दोनों की बातें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गलती आपकी है मिस्टर पुरी जी। आप इनसे माफी मांगिए। मैं और इससे माफी मांगू? हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो इस्तीफा दे दीजिए। सर, इन्हें दिल की बीमारी है। हाँ माँ, छोड़ो यार, जिसके सीने में दिल नहीं उसे दिल की बीमारी कैसे हो सकती है? मुझे तो ये मिर्गी लगती है। चप्पल सुंघाओ क्या? खबर जो पत्ते में दिखी तो देखा साहब, न दिल है ना दौरा है, बेकार का ढोंग धतूरा है। इससे माफी मांगने से तो बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं।
लीजिए। मिस्टर पुरी ने इस्तीफा दे दिया है, अब तो हड़ताल खत्म कर दो। जैसा आप कहें साहब, हड़ताल खत्म तो खत्म।